हाय दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोस्कोप के द्वारा दही के बैक्टीरिया के दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया की एक स्लाइड बना के आपको दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप में कि दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और वो जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को मैं माइक्रोस्कोप में दर्शाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये तो अपन ने लिया दही, लेकिन स्लाइड में तो एक बहुत कम मात्रा में चाहिए, सुई के नोक के जितना। तो दोस्तों अपन ने ये दही लिया है एक सैंपल के रूप में। अब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में देखने पर ये किस तरह दिखेगा, आइए ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसको माइक्रोस्कोप में एडजस्ट किया है, तो ये जो गमन कर रहे हैं छोटी छोटी बूंद के रूप में, ये सब दही के बैक्टीरिया हैं। किस तरह गमन कर रहे हैं, तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था दही के बारे में, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट में लिखा था कि जो बैक्टीरिया हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैंने बोला था कि करूँगा कोशिश ज़रूर दूसरा ऐसा कोई वीडियो बनाने की। आज जाके थोड़ा टाइम मिला है तो कंप्लीट दही का वीडियो बनाया हूँ। तो देख ले किस तरह ये बैक्टीरिया गमन कर रहे हैं, जबकि मैंने अपने फ़ोन को और अपन ने जो ये माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखी है इसको मैंने स्थाई करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह ये जो दही के बैक्टीरिया हैं ये ऑटोमेटिक गमन कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, बल्कि बहुत लाभदायक चीज़ होती है, बहुत लाभदायक होते हैं शरीर में। तो किस तरह गमन कर रहे हैं, ये कोई गोलाकार है और कुछ दंडाकार भी है, लेकिन यदि आपको दिखेंगे तो देखो कुछ लंबाकार भी है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको हमेशा दही खाते ही रहना चाहिए। ये देखो ये बैक्टीरिया किस तरह गमन कर रहे हैं, तो एक तरीके की कंप्लीट वीडियो दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और यदि इससे संबंधित ऐसी कोई यदि आपको वीडियो चाहिए या कोई आपको चाहिए कि ऐसे कोई स्लाइड के बारे में, तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस चीज़ की और कोई किसी प्रकार की कोई स्लाइड की जरूरत पड़े तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, या माइक्रोस्कोप संबंधित कोई भी चीज़ यदि आपको देखनी हो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है दोस्तों। हो गया कन्फर्म, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।